तो भाई साहब, जान सार ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है यार। जान सार के आने वाले एपिसोड में दिखाया ना कि ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग हो गया ना, इतना इंटरेस्टिंग हो गया कि भाई जो फर है ना, अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर नुशेरवा को सुनाए, लेकिन नुशेरवा भी उसे फिर सेट कर देगा। क्योंकि सीन ये हो रहा है कि नुशेरवा उसके घर वालों को ले आया, मतलब उसका जो शोर था, उसका जो बच्चा था, उन्हें ले आया, वो ले आकर उनके सामने खड़ा कर देता। वो उन्हें कहता, ये रही तुम्हारे घर वाले, तुम इनके साथ जो मेरा जीना राम छोड़ो। और वो क्योंकि सही कहता है ना, क्योंकि अब दवा भी इतनी टेंशन में हो रही, उसके अम्मा साहब, उसके बाबा साहब, वो भी टेंशन में है। तो वो कहता है कि इनसे पीछे तो छुड़वाना ही है फरा से। अब ये मुझे ब्लैकमेल कर करके घर बुला लेती है, कभी क्या, कभी मुझे इतना ब्लैकमेल कर रही है कि मैं मर जाऊँगी तुम्हारे बिना, खाना नहीं खाऊंगी, वो शो। तो वो कहता है इसका हस्बैंड इसके सामने, लेकिन शायद इसे कुछ एहसास हो जाए। वो ला तो देता है अब इसका हस्बैंड इसके सामने, अब वो खड़ा कर देता है। अब अगले एपिसोड में दिखाया ना, वो देखते हैं क्या होता है। मतलब मुझे तो यही लगता है कि वो उसे कहेगा आजो घर, उसका बच्चा भी कहेगा कि आजो घर। और उसकी माँ तो इतनी होगी कि उसके बच्चे को भी, अपने बच्चे को ही, मतलब अपने बच्चे को धक्का दे देगी उसके, जाओ भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वो कहेंगे नुशेरवा मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। वो नुशेरवा कहेगा मैं जा रहा हूँ, ये तुम्हारे घर वाले हैं, और उसके शोर को कहेगा संभालो अपनी बीवी, मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो वो कहेंगे नहीं नुशेरवा तुम्हें से प्यार करती हूँ, मर जाऊँगा लेकिन मैं इसके साथ नहीं जाऊँगा, तुमसे ही प्यार करती हूँ। नुशेरवा कहेगा तो फिर मर जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हो गया यार। अब उसकी दुआ, उसकी बीवी वो पे टेंशन में, उसके अम्मा साहब अब्बा साहब वो टेंशन में, अब वो क्या करे, उसे तो छोड़ना है ना वो, लेकिन उसे वो तो जाना भी नहीं चाहता, वो उसे ज़बरदस्ती बुलाती है। तो बहर के ज़बरदस्ती क्या कहना, वो खुद भी चला ही जाता, मतलब वो ना जाए। वो उसकी बीवी दुआ ने भी यही कहा कि इंसानियत सिर्फ इसी पर दिखानी है, किसी और पर दिखा लो। तो बस दोस्तों, ये जानसार के आने वाले एपिसोड का प्रोमोटिस रिव्यू आपको कैसा लगा, अपने राय मुझे जरूर कमेंट में दीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।